नमस्ते दी लल्लन टॉप पर, मैं सोनाली हूँ। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। स्टैन स्वामी होली फैमिली अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। 84 वर्षीय एक्टिविस्ट को शनिवार 3 जुलाई को वेंटिलेटर पर ले जाया गया था। 4 जुलाई को उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने की खबरें आईं। इंडिया टुडे के मुताबिक सोमवार दोपहर 1:30 बजे स्टैन स्वामी ने अंतिम सांसें ली। बॉम्बे हाईकोर्ट को स्टैन स्वामी की मौत के बारे में जानकारी दे दी गई है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में कराए जाने की बात सामने आई है। स्टैन स्वामी के निधन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुख जताया है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट स्टैन स्वामी की बेल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। वहीं स्वामी के वकील मिहिर देसाई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और तलोजा जेल के अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की है। मिहिर देसाई ने कहा है कि तलोजा जेल के अधिकारियों ने स्टैन स्वामी की हालत को काफी ज्यादा अनदेखा किया। वहीं NIA पर सवाल उठाते हुए मिहिर देसाई ने कहा कि उसने एक भी दिन स्टैन स्वामी से पूछताछ नहीं की, तो फिर एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया ही क्यों। स्टैन स्वामी झारखंड के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे कई वर्षों से राज्य के आदिवासियों और अन्य वंचित समूहों के लिए काम कर रहे थे। समाजशास्त्र से MA करने के बाद स्वामी ने बेंगलुरु स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम किया। बाद में वे झारखंड आ गए। शुरुआती दिनों में स्टैन स्वामी ने पादरी का काम किया, इसलिए उन्हें फादर स्टैन स्वामी कहा जाता है। बाद में उन्होंने आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी शुरू की। स्टैन स्वामी ने बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता झारखंड में विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की स्थापना की। ये संगठन आदिवासियों और दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। स्टैन स्वामी रांची के नामकुम क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। स्टैन स्वामी पर पत्थलगड़ी आंदोलन के मुद्दे पर तनाव भड़काने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के आरोप थे। झारखंड की खूंटी पुलिस ने स्टैन स्वामी समेत 20 लोगों पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। इसके अलावा उन पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में भूमिका निभाने के भी आरोप लगे। इस केस की जांच कर रही NIA ने 8 अक्टूबर 2020 को स्वामी को गिरफ्तार किया था, जिसका लगातार विरोध हो रहा था। NIA ने भीमा कोरेगांव मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें स्टैन स्वामी की उम्र सबसे ज्यादा थी। तलोजा जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीते सप्ताह स्टैन स्वामी को कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके बाद से वो होश में नहीं थे। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी बेल याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले ही स्वामी की मौत हो गई। उनके वकील मिहिर देसाई के मुताबिक स्वामी की मौत पर कोर्ट ने दुख जताया है। महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को दलित समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम हुआ। यलगार परिषद ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने कई वाहन जला दिए थे। दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा में एक शख्स की मौत भी हुई और कई लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले में माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है सोनाली। शुक्रिया।